अभी कहाँ खत्म होएगा, जब तक पेपर भी लिख के नहीं देंगे तब तक थोड़ी हो जाएगा। तीन काले कानून वापस देने हैं। उन्होंने अभी तक एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं समझ गया कि ये किसान पवित्र मन से यहाँ तपस्या कर रहे थे एक साल से। वो आंदोलन जीवियों से चिंतित परेशान थे कि आंदोलन जीवियों ने और उन्हें परेशान। क्या नाम है आपका? मीना चौधरी। अच्छा ये बताइए, आप किसान आंदोलन में पहली बार आए हैं? नहीं, मैं पहले भी आती थी, अभी पेपर थे इस वजह से बीच में बंद हो गया। तो इससे पहले भी आए थे? हाँ। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम कानून वापसी ले रहे हैं। नहीं नहीं, कैसा लग रहा है आपको कि अब किसान आंदोलन खत्म होने वाला है? अभी कहाँ खत्म होएगा, जब तक पेपर पे लिख के नहीं देंगे तब तक थोड़ी हो जाएगा। पेपर पे लिख के चाहिए? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? सेवन्थ। आप किसान आंदोलन के बारे में कुछ पता है, ये कृषि कानून के बारे में? हाँ। क्या है ये? तीन काले कानून वापस देने हैं। हाँ। इस वजह से। अच्छा, जब तक वापस नहीं होंगे तब तक नहीं जाएंगे, मतलब लिखित में चाहिए। हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं है क्या आपको? बिल्कुल नहीं है। तो आप अकेले आई हैं यहाँ आंदोलन में? नहीं, मम्मी भी है। मम्मी भी है। तो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं आपको तो स्कूल में पढ़ना चाहिए इस वक्त, अभी आप कह रहे हैं कि छुट्टी है तो मैं आया हूँ। नहीं, लग रहा है आपको कि छुट्टी है अभी इस वक्त स्कूल में? नहीं, स्कूल खुले हैं। तो फिर भी आप आए हैं सैटरडे संडे की छुट्टी में? हाँ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या अपील करेंगे आप? देश के भविष्य हैं, बताइए। कि बस जल्दी से काले कानून वापस ले लो, सब अपने अपने घर लौटेंगे वापस आराम से। लिखित में? लिखित में चाहिए, लेकिन बोल रहे हैं संसद में लिखित में चाहिए आप लोगों को। हाँ जी। आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम कानून वापसी कर रहे हैं, फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि नहीं अभी आंदोलन हटेगा नहीं, हम लोग डटे रहेंगे? देखो, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम ये वापस ले रहे हैं, उन्होंने थोड़े शब्दों को घुमा के कहा है, उसमें थोड़ा शंका हो रही है। वो कह रहे हैं पवित्र दिन को मैंने पवित्र मन से, अपने को बार बार पवित्र बता रहे हैं। उन्होंने अभी तक एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं समझ गया कि ये किसान पवित्र मन से यहाँ तपस्या कर रहे थे एक साल से, अब तक ये बात नहीं बोली। अपने को ही घुमा फिरा के पवित्र बता रहे, 700 लोग यहाँ पे शहीद हुए हमारे भाई, उसके बाद भी वो अपने को पवित्रता से बता रहे, हम समझा नहीं पाए, हम ये नहीं कर पाए, तो शंकाएं हैं। रही बात अभी, और फिर देखो आप बोलने का तरीका देखिए, कैसा चुना एकदम सुबह उठ के और ये बात बोल दी, सपना सा हुआ कि उन्हें किसी ने सपना दे दिया, मतलब आज तक समझ नहीं पाए थे, इतने दौर की वार्ता बंद करा दी, तो तब कुछ नहीं, और अचानक ये उपचुनाव हुए, उसके बाद जो रिजल्ट आए और अब ये कि वापस करा, ठीक है। लेकिन हाँ, जो किया है मैं समझता हूँ कि अब अगर वो पवित्र हो गए तब भी ठीक है, तब भी ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जल्दी जल्दी जो मेरी समस्याएं और हैं उन्हें। इतनी देरी क्यों हुई प्रधानमंत्री ने? यार अब देख बात बताओ, अब मैं उन्हें अनपढ़ कह दूँ इसलिए देर हुई, अच्छा तो नहीं लगेगा। और अब अगर आप मन से पूछो या ये पूछो कि सोच के बताओ कि आखिर ये देर क्यों हुई, तो मैं बताऊं, इस देश में सरकार जो चलाती है वो कोई पार्टी नहीं चला रही, तो एक फोर जीवी है इस देश में, वो चलाती है, अमित जी, मोदी जी, अंबानी जी, अडानी जी, ये फोर जीवी है भाई। वो आंदोलन जीवियों से चिंतित परेशान थे कि इन आंदोलन जीवियों ने और उन्हें परेशान कर रखा, और हम इन फोर जीवी से परेशान। ये 4GB, वो 2GB नहीं अब तक करने दे रहे थे। कॉर्पोरेट घराने की सरकार यार, भाई आप क्या यार बात करोगे, मोदी जी कॉर्पोरेट घराने की सरकार है, और ये हावी है ये 4GB, 4GB पूरे देश पे हावी है। अभी हमने सिर्फ अपनी खेती बचाई है, इन 2GB जो बैठे थे ना, इनसे अपनी खेती बचाने की लड़ाई लड़ी है, उसे में शायद है हम लोग कामयाब हो गए, लेकिन अगली जो हमारी साथ साथ लड़ाई है हमें अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए, जो MSP वाली बात है, बस वहाँ और बात बन जाएगी, उसके बाद हमारा मोर्चा है, बात करेगा और सब सॉल्व हो जाएगा, तो उसके बाद घर की वापसी भी हो जाएगी। आखिर में क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? बस यही कि तीन काले कानून वापस ले लो, बस इतना ही कहना है फिलहाल तो उसके लिए, तो इतना ही ठीक है। वो कहेगी वापस ले लो, अब MSP पे बात करनी है, वो बड़े बूढ़े बताएंगे कि भाई खेती में नफा नुकसान क्या हो रहा है। अभी तो ये था, हमें छोटे किसानों को खेती बचानी भारी पड़ रही थी, ये जो 2GB बैठे हैं पीछे, 2GB के पीछे जो 2GB है, इनसे खेती पर, इनकी नज़र खेती पे। आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं, नोएडा में आपके पास ही है जहां हम गाजीपुर बैठे हैं, नोएडा में इन्होंने किसानों से करार किया, उनकी खेती ले ली, आज तक उन्हें पूरा मुआवजा नहीं दिया और उद्योगपतियों को दे दी।
ना वो कोर्ट की मानते हैं ना किसी की। और देखो खेती लेने के बाद इनका अगला कदम क्या होता है, अब इन्होंने लगभग 5 महीने हो गए हैं कि जो किसान गांव में रह रहे थे उनके मकानों से मालिकाना हक भी हटा दिया, उस जगह पे भी नोटा दर्ज करवा दिया। तो ये जो सरकार के जो उद्योगपति जो पीछे बैठे होते हैं वो उसी तरह कार्य कराते हैं, जबकि यहाँ तो नोएडा अथॉरिटी सरकारी संस्था, और अब तो हम प्राइवेट के हाथों में जाने वाले थे। और जो मोदी जी ने एक शब्द बोला कि मैं छोटे किसानों को फायदे का ये कानून था, तो मैं ये बिल्कुल सच बता दूं, प्रधानमंत्री जी दोबारा और कुछ सोच रहे हो गए, ये किसानों के फायदे का नहीं था, छोटे किसानों का, ये 2GB का फायदे का था जो आपके पीछे बैठे हैं सरकार चलाते हैं। और ये छोटे किसानों की 2-2, 4-4 बीघा थी, ये सिल्ट जाती, बहुत जल्दी सिल्ट जाती। वो टिकैत जी ने यहाँ बैठ के हमारी बचा दी है, हम टिकैत जी को ज़्यादा धन्यवाद दे रहे हैं और साथ में उन 4GB को भी दे दूंगा। कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।